तो पबजी ग्लोबल वर्जन अपडेट करने के लिए मतलब 1.4 आई थिंक अपडेट करने के लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र से apkpure.com पे जाना है, और जाने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा यूजिंग apkpure ऐप, वो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर apkpure जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, वो तो नहीं समझाना पड़ेगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, वो सबको मालूम है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है ऐप को, और ऐप ओपन करने के बाद टाइप करना है पबजी ग्लोबल। पबजी ग्लोबल टाइप करते ही आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा पबजी, जो काराकिन वाला मैप है, वो तो न्यू अपडेट था तो वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। तब आपको जो काराकिन वाला ऐप है, अगर पहले से ही आपके मोबाइल में पबजी इंस्टॉल्ड है तो वो वाला मैप पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिंपली अपडेट पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, मैंने अपडेट कर लिया है। तो मैं अभी सिंपली इसको ओपन कर लूँगा, और ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गॉडजिला एंड जो गोजिला है दोनों फाइट कर रहा है, वो वाला सीन भी है, अपने बैकग्राउंड में भी आ गए हैं। अभी एक गेम प्ले आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा, तो देखते रहिए। अब इसे अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका गेम जो है अपडेट हो जाएगा। ये जो है आप अभी देख सकते हैं कि मैं पबजी ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन करते ही आप देख सकते हैं थीम सब वो सब चेंज हो चुका है, और अभी जो गेम है वो ओपन करूँगा। ये आपके सामने अभी गेम ओपन हो रहा है। ओ आ जाओ क्या।